हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अमन दे बोलो थानू सारयां नू हैप्पी होली। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक सेल्फ डिफेंस को कवर करने वाले हैं इन ट्रेडिशनल वियर। होली ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, सो हमने सोचा क्यों ना इस फेस्टिवल में हम ट्रेडिशनल वियर में सेल्फ डिफेंस को लेके आए और अपना मैसेज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने ये तरीका चूज किया है। आप कहीं बाहर ऐसे फंक्शन में गए हो जहाँ पे आपने ट्रेडिशनल वियर पहन रखा है और उस टाइम पे आप ऐसे सिचुएशन से डील करते हो जहाँ पे आपको खुद को डिफेंड करने की जरूरत पड़ रही है, कोई आपको आपके दुपट्टे से छेड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको आपके हाथ की ग्रिप बनाने की कोशिश, आपको हाथ से खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको आपके बालों से खींचने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पे आप खुद को कैसे सेफली उस सिचुएशन से बाहर निकालोगे, इस वीडियो में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। एंड एक और चीज़ जो मैं सेल्फ डिफेंस को लेके आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसी सिचुएशन होती है सेल्फ डिफेंस क्यों काम आता है, आप अलर्टनेस आपके कोई भी एक्टिविटी क्यों प्लस पॉइंट बन जाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो बंदा अटैक करता है उसके दिमाग में नहीं होता है कि सामने वाला जिसको वो विक्टिमाइज करने वाला वो कैसे डिफेंड कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है, आप बेस्ट वे चूज करो। आपको जिस टाइम पे जो स्पॉट मिलता है जहाँ पे आप हिट कर सकते हो, मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम आप वहाँ पे हिट करो और खुद को प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्शन इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको सामने वाले को अटैक करना, उसको बहुत ज़्यादा पीटना आपकी प्रायोरिटी नहीं है। और यूजली ऐसे केसेस में आपको मैक्सिमम 10 seconds मिलते हैं, आपके पास 5 से 10 seconds होते हैं एक्ट करने के लिए। अगर आप वो सेकंड वेस्ट कर देते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि आप खुद को डिफेंड नहीं कर पाओगे। सो अलर्टनेस, अवेयरनेस एंड बी एक्टिव, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको एक वर्स्ट सिचुएशन से सेफली बाहर निकाल के लेके आ सकती है। सो अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ एंड कवर करते हैं हमारे आज की 3 सिचुएशन। अभी हमने फर्स्ट सिचुएशन कवर की है कि अगर आप ट्रेडिशनल वियर में हो और उस टाइम पे कोई आपको छेड़ने के लिए आपका दुपट्टा पुल करता है, दुपट्टे को खींचने की कोशिश करता है, उस टाइम पे आप खुद को कैसे बचा सकते हो, कैसे सेफली उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। ब्रीफली दिखाऊंगी कि हमने उस सिचुएशन से कैसे डील किया। सो फर्स्ट, जैसे इसने मेरा दुपट्टा होल्ड करने की कोशिश किया, सबसे पहले आप नॉर्मली जा रहे हो तो जब आपका कोई पीछे दुपट्टा खींचा तो आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले अपना दुपट्टा पकड़ो ताकि वो सामने अपने साथ ना लेके जा सके। जैसे आप दुपट्टे को होल्ड करोगे तो सबसे पहले आपको पीछे मुड़ के देखना है कि आपका कितना डिस्टेंस है। आप ये चेक करोगे अगर आपका डिस्टेंस इतना है कि आप आराम से हिट कर सकते हो उसके नेक पे, और सबसे मेन चीज़ आप नेक पे हिट करोगे। नेक बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसको कोई भी पेन नहीं कर सकता है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप नेक पे हिट करो। और सेकेंड ऑप्शन जो मैं आपको देती हूँ, अगर आप ये नहीं कर सकते हो अपनी उंगलियों का यूज़ करो और यहाँ पे हिट करो। ये अगर आप यहाँ से हिट करोगे तो भी उसको हिट होने वाला है। तो सबसे पहले आपने अपना दुपट्टा होल्ड किया, टर्न, अटैक। यूजली एक अटैक काफ़ी नहीं होता है, वो अटैक इतना होगा कि अपना ग्रिप लूज कर देगा। यहाँ से ग्रिप लूज हुआ, अब सेकंड अटैक में आप कोशिश करोगी आप फिर से उसको नीचे गिराना ताकि वो आपके पीछे ना भाग सके। तो एक स्टेप आगे आए और अटैक। ये होने के बाद जैसे वो नीचे गिर जाएगा या फिर इसका बैलेंस खराब होएगा, आपको उस सिचुएशन से भागना है, किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आप सेफ हो, मतलब आपको वहाँ से भाग के किसी सेफ प्लेस पे जाना है। तो ये थी फर्स्ट सिचुएशन जो हमने कवर की है। तो चलो अभी सेकेंड सिचुएशन की तरफ चलते हैं। अभी हमने सेकंड सिचुएशन कवर की है कि अगर कोई आपका हाथ एकदम से चलते चलते आपके हाथों पकड़ लेता है, तो यूजुअली लोग कोशिश करते हैं ये ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे ग्रिप लूज नहीं होगी। हो सकता है कोई स्ट्रांग है, आपको जिम जाने की आदत है, या फिर फिजिकली स्ट्रांग हो तो आपके लिए ईजी होगा वो हाथ छुड़ाना। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही वीक हो, आपने कोई ट्रेनिंग नहीं कर रखी है, जैसे नॉर्मल लड़कियां होती हैं उनको नहीं पता होता कि कैसे खुद को बचाना है, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है। जैसे इसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, तो इसमें आपको देखना है कि हमेशा ही ये अंगूठा बहुत वीक पॉइंट होता है। अगर आप ये करोगे तो खुल जाएगा, लेकिन हम सिखाएंगे कि अगर आप अपना हाथ ऊपर की तरफ चलते हो लेके जाते हो, जैसे अभी आप देख रहे हो कि इसने मेरा हाथ पकड़ा है, यूजली ऐसे पकड़ रखा है, तो उसका ग्रिप है कि वो नीचे की तरफ मेरे को खींचेगा ताकि मेरा वेट खराब हो। तो मेरा कोशिश होगा अपनी तरफ खींचो, हाथ को टर्न किया, ये उसके अंगूठे की तरफ, आप फिर से देखो ये ग्रिप किया, घुमाया, और आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, जैसे इसने बहुत जोर से ग्रिप कर रखा है, और कोई ऐसी लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा वीक है उसको लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगी, तो अपना हाथ ऐसे पकड़ा, आप
ये बहुत ईजी है, आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो अगर आप अटेंटिवली इस चीज को करोगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। लाइक दिस, होल्ड होल्ड ऑपोजिट हैंड अप। अब सेम सिचुएशन, अगर ये दोनों हाथों से मेरा ग्रिप, मतलब दोनों हाथों से मेरे हाथ को ग्रिप करने की कोशिश करते हो, मेरे को खींच के लेके जा रहा है, लाइक होल्ड और खींच के लेके जाओ, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले अगर मैं इसे छुड़ाने की कोशिश करूंगी, ऐसे घुमाऊंगी, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने हाथ को छुड़ा पाऊँ। उस टाइम पे हाथ खोला, अपने हाथ को ऐसे होल्ड करो, दोनों हाथों से मुट्ठी बना ली, एंड आप। बहुत ही ईजी, आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो देखो हम जूम इन में बता रहे हैं आपको। होल्ड, इसने मेरे हाथ को ऐसे पकड़ रखा है लाइक दिस। तो उसके बाद में अब मैंने पहले अपने हाथ को खोला, दूसरे हाथ से ऐसे ग्रिप बना ली। जैसे आप ग्रिप बनाओगे, स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनानी है, आप कोई हो, कोई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आप बहुत आसानी से इस ग्रिप से बाहर निकल सकते हो। दैट्स सेकेंड सिचुएशन, जिसमें आप थोड़ी सी अलर्टनेस और एक्टिवनेस दिखा के आसानी से बाहर निकल सकते हो। इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक सेल्फ डिफेंस मूव्स कवर किए हैं, जो कि अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हो, नहीं करते हो, एक नॉर्मल लड़की है जिसने कभी भी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं किया, कुछ नहीं किया है, वो भी आराम से उन मूव्स को यूज़ कर सकती है। बस आपको थोड़ी सी अलर्टनेस और अवेयरनेस के साथ उनको यूज़ करना है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है। और एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? चीज़ के लिए मैं अपनी एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने जो भी आसपास में लोग होते हैं उनको भी हमें अच्छा गाइड करना चाहिए। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो उनको भी अच्छी एडवाइस देनी चाहिए कि ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। एंड अगर कुछ भी हमें दिख रहा है अपने आसपास ऐसी चीज़ होते हुए, तो उसको सही, उसके लिए फाइट करना चाहिए हमें बॉय, ठीक है। किसी भी लड़की के साथ अगर हमें दिख रहा है कुछ होते हुए, तो हमें ज़रूर उसके लिए फ़ाइट करनी चाहिए। चाहते कि अगर आप चाहते हो कि ऐसी सोसाइटी डेवलप हो सके, तो आपने घर वालों के लिए ही नहीं लड़ना है, आप उस इंसान की भी मदद कीजिए। अगर आपके साथ में किसी अनजान लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, एक बार आप स्टैंड लेके देखिए। अगर कोई लड़का स्टैंड ले लेता है तो कभी एक बार ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी सोसाइटी बने, तो हमें अपनी थॉट को खुद से ज़्यादा थोड़ा सा आगे प्रमोट करना शुरू कर देना चाहिए। और एक और मैसेज, जैसे कि आज हम ये वीडियो होली के ऊपर बना रहे हैं, होली एक लोग होते हैं जो जानवरों को बहुत ज़्यादा रंग लगा देते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। आप एक दूसरे को रंग लगाते हो, बहुत ईजी होता है आपको खुद को क्लीन करना, लेकिन वो जानवर जो आवारा है वो खुद को धो नहीं सकते, वो नहाते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उन कलर को इनहेल कर ले या फिर इंजेस्ट कर ले, लेकिन वो और वो उनके लिए कभी कभार फेटल होता है। तो यही एक मैसेज इस वीडियो में हम देना चाहेंगे कि प्लीज़ इस बार होली खेलिए, रंगों से खेलिए और सेफली खेलिए, सेफ्टी का ध्यान रखिए, और कभी और अपने आसपास जानवरों का भी आपको ध्यान रखना है। इंसान तो खुद का डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन ये जानवर खुद को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये थोड़ी सी अवेयरनेस जानवरों के प्रति भी दिखानी है, जो कि हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, और हम अपने आसपास भी ये कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, और थैंक यू गाइस।